मैं चेतन सिंह नेगी, आज क्या कहते हैं चेतन आर्मी ब्लॉग में क्या कहते हैं न्यूज रिपोर्टर की नौकरी लगी है, मेरी पहली नौकरी है और प्रमोशन हमारा हुआ है क्या कहते हैं नितिन मेहरा द्वारा, जिनका ये क्या कहते हैं न्यूज चैनल है। तो आज हमारे दो गेस्ट आए, रवि मेहरा और हमारे पंकज भाई उप टूटन, जो समाज सेवा में क्या कहते हैं भागीदारी देते हैं। और ये रवि मेहरा भी क्या कहते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े अच्छे अच्छे क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने बीच में क्या कहते हैं एक गोला में क्या कहते हैं बच्चे को भी बचाया, इन्होंने दो तीन अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आजकल हमारी क्या कहते हैं YouTube में एक वीडियो ट्रेंड में चली है, सेटिंग की पार्टी। तो आप जैसे देख रहे होंगे क्या कहते हैं वीडियो में सेटिंग की पार्टी, तो इसमें रवि ब्रो आप क्या कहना चाहेंगे, सेटिंग क्या चीज है, सेटिंग कौन सी सेटिंग की पार्टी चल रही है? ये तो हमको वो भाई से फोन करके पता लगेगा कि भाई की कितनी सेटिंग है और कौन सी सेटिंग की भाई बात कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सेटिंग का वर्ड यूज किया गया और सेटिंग का मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सेटिंग का मतलब बहुत सारी चीजों से हो सकता है, हो सकता है फोन की सेटिंग की बात कर रहा हूँ नहीं या फोन की सेटिंग की कोई पार्टी पार्टी कैसे दे सकता है। ये भी आपकी बात सही है, फोन की क्या लगता है कि कौन सी सेटिंग की बात हो रही तो है? तो फिर वो कौन सी सेटिंग की बात कर रहा होगा, बहुत तरह की सेटिंग हो सकती है। इसके अलावा जैसे कोई सेटिंग बोले तो कोई सरकारी काम अटक गया उसमें फंस गया उसकी पार्टी सेटिंग, सेटिंग मतलब जैसे कि कोई नहीं हो रहा हो और रिश्वत दे के सेटिंग, वो भी शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी सुनने में आया कि वो कह रहा हूँ कोने में जाके क्या कहते हैं उससे बिल्कुल भी पसंद है ना, जाके सेटिंग के फोन आते कोने में बढ़ जा। तो भैया जा मैं हम क्या कर सका, तू करेगा ही काजे तेरी सेटिंग ना हो तो हमारी है, हम तो न जाते कहीं कोने में बात करने। वैसे भैया तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताएं कोने में बढ़ के बात करने का मजा ही अलग है, बात करने का मजा ही अलग है। देखो कोने में हाँ ये भी तो ये कौन सी सेटिंग, इससे आप पकड़ सकते हो कि ये सरकारी चीज है, ये दो नंबर की सेटिंग की बात चल रही है। इसका मतलब ये है दो नंबर की सरकारी काम क्योंकि कोने में ही होते हैं लेन देन के। चलिए एक बार पूरी वीडियो देखते हैं उसके बाद देखते हैं कि सेटिंग कौन सी है, क्योंकि हमें भी पता नहीं चल पा रहा सेटिंग एक सरकारी सेटिंग है, ये कह रहे हैं मोबाइल की सेटिंग तो कुछ भी हो सकती है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं फिर आपको बताते हैं कौन सी सेटिंग की बात हो रही है। पैसा दोनों है तो मोकून से मुआवजे मिलकर जो मैं तो पैसा दे दूं भाई, तो कुछ करना यार जुगाड़। ओहो सेटिंग करे तू और जुगाड़ करे हम। मेरी बात सुनो भैया, हमारे पास एक ऑफर है, बता अगर तुम हमें एक पुच्ची दे तो 10 रुपया तुम दे सका तुम कहा कह रहे हो। ये तो उस टाइप की सेटिंग की बात कर रहे हैं, लड़की है जो सेटिंग की बात हो रही है। अच्छा जी, तो ये क्या कहना चाहेंगे समाज में सेटिंग लड़कियों को कहना सही है गलत है? अरे यार वो तो लड़कों के ऊपर बात है ना, हम जैसे हरामी लड़के होंगे तो सेटिंग क्या और क्या क्या ना कहते हैं भी कही ये बात कर रहा। तो क्या कहते हैं जैसे क्या कहते हैं अपने पिताजी 100 रुपए मांग के ले गए, 100 रुपए किसने लेके गया है? हमने इसमें देखा कि गौर से, अरे ये तो वो हनी की वो पोटैटो खाने के लिए ले गया था, चिली पोटैटो। तो चिली पोटैटो मिर्चैल पोटैटो किसके लिए? अपनी सेटिंग के लिए ले गया था भाई। सेटिंग के लिए 100 रुपए अपने बाबू से क्यों मांगे गए? मिर्चैल आलू खिलाने थे उसने अपनी सेटिंग को, सेटिंग की फरमाइश थी, फरमाइश के लिए पिताजी से मांग के 100 रुपए और कहां से क्या कहना चाहेंगे। इससे हमें एक चीज समझते हैं कि लौंडा है बेरोजगार, बाप की कमाई पे कर रहा सटियाबाजी, सटियाबाजी या सेटिंग बाजी या। अब जाएंगे पॉटी करने, क्यों पॉटी करने जा रहे थे? नहीं क्यों और क्या करने जा रहे थे? पॉटी और खाने में कहां सेटिंग की पॉटी तो कह रहे थे और सेटिंग की सेटिंग ये बच्चों ने तो यही बात कर दिया पॉटी करने गए। तो क्या कहते हैं देखिए हमारे राहुल जयकर आगे उत्तराखंड के मिनिस्टर, देखिए कैसे आ रहे हैं। आइए सर बैठिए, आप बैठिए सर बैठिए बैठिए सर। तो आप क्या कहते हैं क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में? आपका चैनल बहुत काबिले तारीफ है और जो आप इस सेटिंग के बारे में बता रहे हो ना, आजकल की जो सेटिंग है इनको लड़की का हाल पता नहीं है, कैसी बेरोजगारी में चल रहा है और इनको पोटैटो खाने पार्टी पार्टी चाहिए इनको पार्टी। ये पिताजी से 100 रुपए लेके आया है वो पार्टी कराने के लिए अपनी सेटिंग की, तो ये सही है गलत है? यार ये तो बहुत ही गलत है, आप भयंकर वहां दूसरी की नौकरी में राशन की दुकान पे खड़ा है और इनको पार्टी कराने के लिए 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए आप राशन लाइन पे खड़े हो। आप देखो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि लड़की या लड़कों को पार्टी कराए लड़कियों को, लड़कियां कराए, लड़के पार्टी कहां से कराएंगे? अपने बाबू की जेब से लेके आएंगे। अरे लड़की तू अब किसकी कॉल आ गई? हेलो अरे खटका कहाँ है यार? भाई मैं पुलिया बैठा हूँ, अपनी मोटरसाइकिल ले दी यार 2 घंटे को, कहाँ जाएगा? कहीं ना यार मृदुल की सेटिंग सुनने जा रहे हैं। भाई मैं अभी चलूंगा। अरे यार तू रहने दे, वैसे हम 3 जने हो रहे हैं। भाई मैं ना दिखा रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल, तुम तेल तो गिरवाते ना हो। ए भाई यार दे दे ना, तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज्यादा। भाई मैं गैल ही चलूंगा। चल ठीक है तो जा, तू जल्दी दे सी। हाँ बस भाई अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। चल ठीक है यार। जब ये सेटिंग को पार्टी देने जा रहा था अपने साथ 3-3 दोस्तों को लेके जा रहा है, एक भाई कह रहा कि मैं तुम बाइक में तेल डलाते हो तो तेल तुम पैसे नहीं डालते हो तेल के लिए,
तो क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा होना चाहिए कि दोस्त की गाड़ी लेने के लिए दोस्त ये कह रहा है कि तेल नहीं डलाते, सही बात है गलत बात है? गलत बात है यार, जैसे आप किसी की गाड़ी ले जा रहे हो तो तेल उसमें होना चाहिए। नहीं है गाड़ी में तेल होना चाहिए, हाँ मतलब सॉरी गाड़ी में तेल नहीं होना चाहिए, मतलब दोस्त के पास पैसा होना चाहिए तेल लगाने में, जो गाड़ी लेके जा रहा है तो कायदा है, कायदा है, लेकिन कभी कभार तो चलता होगा यार। अभी ब्रो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब यार वो तो दोस्त दोस्त के ऊपर भी बात होती है, अब दोस्त पैसे वाला है तो चलो छोड़ो यार। तो इसका मतलब हमने ये वीडियो से ये सीखा कि जो सेटिंगों की बात होती है हम बड़े कंफ्यूज थे, सेटिंग क्या चीज है, कोई कह रहा था मोबाइल की सेटिंग, कोई कह रहा था कोई सरकारी सेटिंग, कोई सरकारी नौकरी के लिए सेटिंग चल रही है, लेकिन लास्ट में पता चला कि सेटिंग जो है ये वो सेटिंग है। तो क्या ये शब्द सही है? किसी लड़की को सेटिंग कहना सही है? मेन मुद्दा आपका ये उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। आप पूरे गलत मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं। ये मुझे लग रहा है ये हुआ क्या कहीं रात कहीं धुआं धुआं क्यों हो रहा है ऐसा? इतना स्किल सब सेटिंग क्या होता है? मैं आपकी बात सेटिंग क्या होता है? क्या होता है सेटिंग? सेटिंग होता है नहीं, मतलब आप कैसे किसी लड़की को सेटिंग कह सकते हैं? जैसे आप कहते हैं अपनी लड़कियों को सेटिंग सेटिंग सेटिंग, आप दिन भर लड़कियों को सेटिंग क्या, चल हट चल समाज में ये सब चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अपने क्या कहते हैं तीर्थ सिंह रावत, जिनके नाम में तीर्थ है, कैसे मतलब यार एक आप इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और आप ऐसे शब्द निकाल रहे अपने मुंह से? ये लड़का क्या वो है गैर सामाजिक है जो इसने कपड़े पहने हैं? देखिए इसने जनेऊ धारण कर रखा है, ये देखिए ये इसकी सात्विकता का वो है, पहचान है इसकी सात्विक है। करके अगर इसने कम कपड़े पहने इसका मतलब ये बेशर्म है, हो सकता है गरीब भी हो सकता है लड़की की चीज वहां से फटी हो, उसके पास बजट इतना। तो मैं कहना चाहूंगा अपने हमारे इतने बड़े मुख्यमंत्री को ये सब वार्ड नहीं यूज करने चाहिए। वार्ड मतलब होता है वार्ड तो मेंबर होता है, वार्ड नहीं यूज करना, मेंबरों को यूज नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? वार्ड मेंबर को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पंकज भाई चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि जो सेटिंग की पार्टी है तो हम समझ गए किस सेटिंग की पार्टी है। तो ये और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लड़कियों को सेटिंग कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।